हेलो सो अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ स्टोरी जरा पल्ले नहीं पड़ने वाली। हाना जीवन के क्लोज जाकर उसको मिशू कर देती है। जीवन टोटली शॉक्ड। सामने से जीवन बोलता है, तू क्या पागल है? एक्चुअली हाना सो रही होती है और उसकी कलीग जो कि उसकी रूममेट होती है वो उसको जगा रही होती है। हाना को बोलती है, तो सोते हुए क्या हरकतें कर रही है? अगर इतनी चिड़ी है तो किसी को डेट कर ले, एंड मैं तो ऑफिस जा रही हूँ तो अपना देख ले। एंड हाना एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि तूने मेरे को टाइम पे क्यों नहीं जगाया। एंड हाना ऑफिस वर्क के रिलेटेड फोन पे बात कर रही होती है, एंड देन वो अपना फोन चेक करती है, एंड जिसमें वो अपने और जीवन के फोटोज देखती है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मैंने ये क्लिक कब करे थे। इतनी ऊट पटांग पिक्स देखकर हाना के हाथों से एकदम से फोन छूट जाता है। पिक्स को ध्यान से देखने पर उसको याद आता है कि जो उसने देखा वो कोई ड्रीम नहीं था, उसने सच्ची में जीवन के सामने इतनी ऊट पटांग हरकतें करी थी। देन जब उसको मिशु का याद आता है तो वो अपना सिर एकदम से पीटने लग जाती है, लाइक फ्रस्ट्रेट होकर कि जीने का कोई मतलब नहीं रहा, मेरे को तो मर जाना चाहिए। एंड वहीं पे ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते, कभी सीट पे लेट जाते, कभी सीट पे चढ़ जाती, फ्रस्ट्रेशन में कि अगर जीवन ने मेरी रिपोर्ट कर दी मेरी बिहेवियर की वजह से, यहाँ जीवन का बिहेवियर तो टोटली चेंज होता है। एंड वो अपने मैनेजर को बताता है जो कि उसका रूममेट भी होता है कि तेरे को पता कल मैं स्टेज पे था, मैंने गाना गाया। मैनेजर कहता है, क्या सच्ची में तेरे को सुनने में प्रॉब्लम नहीं हुई? अरे झूठ मत बोल। एक्चुअली मैनेजर को भी जीवन की ना सुनने वाली प्रॉब्लम का पता होता है। जीवन मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी किसी ने हेल्प करी थी गाना गाने में। हाना के बॉस उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और हाना के कलीग्स उनको देखकर सोच रहे होते हैं कि इनमें बातें क्या हो रही हैं। हाना के बॉस उसको बोलते हैं कि कल जिस सिंगर को तो लाई थी ना, तो उसको जानती है ना, तेरे को जस्ट जाके उसका इंटरव्यू लेना है। हाना नॉर्मली बोलती है कि उस सिंगर को तो कोई भी नहीं जानता, इवन वो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करता। बॉस हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे को मेरी इंद्रियां बता रही हैं कि वो बंदा जून है, लाइक जून एक सिंगर है और बॉस को लग रहा होता है कि जून ही जीवन है, इसलिए वो हाना को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। हाना बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लाइक मजाक है। एंड बॉस सीरियस टोन में बोलती है कि मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मजाक है क्या नहीं। एंड हाना इमेजिन करने लग जाते हैं अगर वो जीवन का इंटरव्यू लेने जाएगी तो क्या होगा। एंड उसके इमेजिनेशन में जीवन उसकी इंसल्ट कर देता है, अपने बॉस को मना कर देती है कि मैं नहीं ले सकती इंटरव्यू। एंड उसकी बॉस उसको उसकी जॉब से डराने लग जाती है और हाना की टोन एकदम से चेंज हो जाती है कि नहीं बॉस, आप तो परी हो बिना पंखों वाली, जो बोलोगे मैं करूंगी। यहाँ हाना को पहले तो टेंशन हो रही होती है कि मैं उस इंसान का इंटरव्यू कैसे लूंगी, देन उसको एकदम से याद आता है कि हाँ मैं उसके थॉट्स सुन सकती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका इंटरव्यू ले सकती हूँ। और ये सोचते हुए वो ऊट पटांग हरकतें कर रही थी जिसको उसके कलीग्स भी ग्लास के थ्रू देख रहे थे, वो सोच रहे होते हैं हाना क्या पागल है, इसने दवाई ली है। बट हाना की रूममेट बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये है ही ऐसी। इतने में बॉस भी पीछे से आके बोलती है, हाँ मेरे को भी पता है ये है ही ऐसी। यहाँ हाना पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है कि लह मैं तो जीनियस हूँ। हाना जीवन के मैनेजर को कॉल करती है इंटरव्यू के लिए बट वो मना कर देता है। जब जीवन को ये बात पता लगता है कि हाना की कंपनी से हाना का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, तो वो मैनेजर को बोलता है कि उसको कॉल बैक कर, फिर बोलता है रहने दे मैं ही उसको कॉल बैक करता हूँ। लाइक फेस पे स्माइल देख रहे हो। यहाँ हाना बेचारी दुखी होती है और अपना दुखड़ा अपने फ्रेंड से शेयर कर रही होती है कि इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। बट इतने में उसको जीवन का मैसेज आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाता है। हाना का रिएक्शन शॉक्ड एंड हैप्पी। देन हाना इंटरव्यू लेने की प्रैक्टिस कर रही होती है बट इतने में जीवन आता है और उसके हाथ से पेपर लेकर उसको खुद पढ़ने लग जाता है। एंड हाना उसके थॉट्स सुनने की कोशिश कर रही होती है बट कुछ नहीं सुन पाती। एंड वो जीवन से इंटरव्यू के रिलेटेड बात करती है। एंड जीवन, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इंटरव्यू दूंगा। हाना फ्रस्ट्रेट होकर अपना फेस साइड कर उसको धीरे से गाली देती है। क्या अभी भी तू मेरे थॉट्स सुन पा रही है? एंड हाना हैरान हो जाती है, लाइक अब हैरान होने का क्या फायदा, तूने तो ड्रंक होकर उसको सब कुछ बताया था, अब उस बेचारे की क्या गलती? पता है ना मैंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया, बट मैं तुमको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि तुमको मेरे थॉट्स ही सुनने पड़ेंगे। इस टाइम हाना भी चिल्लाकर फ्रस्ट्रेट होकर बोल देती है, मैं सबके थॉट्स नहीं सुन पाती, मेरे को उनको पसंद करना पड़ता है तब मेरे को उनके थॉट्स सुनते हैं। ओ सच्ची? एंड मुस्कुराते बोलता है, ठीक है मेरे को पसंद कर ले। एंड हाना टोटली शॉक्ड कि बोल क्या रहा है बे ये। एंड हाना घर आकर सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है और उसकी फ्रेंड उसको आइडिया देती है, ऐसा करना उसको बाहर घूमने ले जा अपने साथ, किसी को पसंद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, देन तो उसके थॉट्स भी सुन पाएगी। तो सोचती है कि वो बॉस को मना कर देगी कि उससे नहीं इंटरव्यू होगा, बट उसकी फ्रेंड उसको उसकी बॉस का रुद्र रूप याद दिला देती है। जीवन का मैनेजर उससे बात कर रहा होता है कि अच्छा उस लड़की ने तेरे को क्या बोला, कि उसने तेरे को क्या क्या गालियां निकाली, लाइक उसने तेरे को पागल मनुष्य बोला, गधा बोला, क्या बोला, और तू सुन भी रहा है मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जीवन उसकी बात कहाँ सुन रहा था, वो तो हाना के ख्यालों में खोया हुआ था कि मैंने उसको रिजेक्ट भी नहीं करा, क्या मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, क्या वो मेरे को फोन करेगी। बट इतने में ही हाना का कॉल आ जाता है और जीवन के फेस में एकदम बिग वाली स्माइल आ जाती है। एंड वो उसका कॉल पिक करने के लिए एकदम से अपने स्टूडियो में भाग जाता है और उसका फ्रेंड बस मुंह बनाकर उसको देखते ही रह जाता है। देन हाना बोलती है,
कि कल से मैं तेरे को लाइक करूंगी, मेरे को बस 3 बार मिल लेना, और एकदम से फोन काट देती है। अब बेचारे को ऑकवर्डनेस तो लगेगी ना, बट अगेन जीवन के फेस पे तो बिग वाली स्माइल आ जाती है। यहीं पर बैंक, एज यू माई डियर फैमिली नो, गिव मी टू मैनी स्माइलीज विथ योर स्माइलिंग फेस एंड यूप, टारगेट है 160 स्माइलीज का। जैसे ही 160 स्माइली कंप्लीट होगी, नेक्स्ट पार्ट वैसे ही अपलोड हो जाएगा। ओके, बाय बाय।